देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर जो है वो घने कोहरे से पट गई है। इस वक्त हम आपको सीधे तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर से, और आप देखिए किस तरीके से जो घना कोहरा है उसने पूरी राजधानी दिल्ली एनसीआर के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। और यहाँ पर जो विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी यहाँ पर तकरीबन 50 मीटर से ज्यादा नहीं है। वहीं सड़कों पर गाड़ियों के आवागमन की बात करें तो जो तमाम गाड़ियां चल रही है वो लाइटें जलाकर चल रही है, उनकी जो संख्या है वो काफी कम हो गई है। मॉर्निंग वॉक्स के लिए जो लोग निकलते हैं वो इस वक्त बिल्कुल नदारद दिखाई पड़ रहे हैं वो चेहरे। वहीं अगर हम तापमान की बात करें तो इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ नोएडा, यहाँ पर तकरीबन न्यूनतम तापमान जो है वो 9 डिग्री सेल्सियस है, वहीं मैक्सिमम तापमान जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। वहीं अगर हवा की रफ्तार की बात करें तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, कपकपी मैं महसूस कर सकती हूँ इस वक्त। और तापमान जो है वो बना हुआ है, मौसम ठंडा बना हुआ है जिसकी वजह से कपकपी महसूस हो रही है, और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों भी इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। हालांकि बारिश होने की संभावनाएं नदारद है। कोहरे के घने चादर से लिपटी हुई राजधानी दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त आपको हमारी मौजूदगी जो है हम बता दें वो NH 24 पे है, और यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर अक्षरधाम मंदिर पड़ता है जो कि अभी बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा। सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं और आप देखिए कि यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर जो स्थित है अक्षरधाम मंदिर वो दिखाई नहीं दे रहा। और हम अगर गाड़ियों के आवागमन की बात करें तो सड़कों पे जो संख्या है वो कम हुई है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से इस वक्त भी लोगों को लाइटें जलाकर चलना पड़ रहा है, और जो पैदल आने जाने वाले लोगों की जो संख्या है वो काफ़ी कम है, वो चेहरे नदारद दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम अगर तापमान की बात करें तो राजधानी दिल्ली का इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम है, तो मैक्सिमम जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस है, और तकरीबन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, कपकपी महसूस कर रहे हैं लोग इस वक्त। हमारी जहां मौजूदगी है हवा की वजह से कपकपी महसूस हो रही है, सिहरन बॉडी में महसूस की जा रही है। और वही हम आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम जो इलाके दिल्ली के घने कोहरे में लिपट गए हैं, तो ऐसे में मौसम विभाग ये अनुमान जता रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली में तापमान और भी न्यूनतम जो है वो कम होगा, ठंड बढ़ेगी, सिहरन जो है वो बढ़ेगी। हमारी मौजूदगी इस वक्त कर्तव्य पथ पर है, और सीधे तौर पर आपको तस्वीरें दिखाई तो देखिए यहाँ से महज 400 मीटर की दूरी पर मौजूद इंडिया गेट आप देखिए बिल्कुल भी घने कोहरे में लिपट गया है और दिखाई तक नहीं दे रहा। विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी इतनी कम है कि महज 400 मीटर की दूरी पर मौजूद इंडिया गेट यहां से बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा। हालांकि जो आम तौर पर यहां चहलकदमी दिखती है, सुबह के इस वक्त हम बात करें तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और यहाँ पर तकरीबन मॉर्निंग वॉक करने वाले काफ़ी संख्या में आते हैं, वो चेहरे नदारद दिखाई पड़ रहे हैं। ठंड की ठिठुरन जो है वो बढ़ गई है, हवा तकरीबन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है राजधानी दिल्ली में, जिसकी वजह से सिहरन महसूस की जा रही है, कपकपी महसूस की जा रही है। गाड़ियों की जो संख्या है वो कम हो गई है, जो गाड़ियां चल रही हैं वो लाइटें हेडलाइट जलाकर चल रही हैं। और सीधे तौर पर यहां से जो राष्ट्रपति भवन है आप देखिए कर्तव्य पथ के पास तकरीबन कुछ महज चंद मीटर्स की दूरी पर ही है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, घने कोहरे में लिपट गया है, उसमें छिप गया है। कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली जो है वो कोहरे की घनी चादर से लिपट गई है, पट गई है, और बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि ये वस्तु स्थिति बनी रहेगी अगले कुछ दिनों में। इसी तरीके से राजधानी दिल्ली में कोहरा जो है वो छाया रहेगा और ठंड की ठिठुरन लोगों को महसूस होगी। कैमरामैन राकेश के साथ ऋतु रोहिणी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर।